वेलकम बैक टू माई सिनर ब्लॉग। कैसा सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। और आज है 7th रोज़ा और मेरा रोज़ा भी है और हम सब मेरे फैमिली और मेरे सब के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज है नहीं मेरा एक चाचू है वो जा रहा है सऊदी अरब। सो उसके इसलिए हमने उसको इनवाइट किया है अफ्तारी के लिए। तो उसके लिए हम आज बहुत अच्छे सामान भी बनाएंगे। सो वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले नीचे चलते हैं, लेट्स गो। पहले मैं छत में थी सो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। और अभी का टाइम है 3 बजे और हमारे पास 2 घंटे हैं जिसमें हम ये छोटा मोटा वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद तो हमने पकौड़े बनाने हैं, दस्तरखान लगाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। सो चलो अभी मैं आपको दिखा वगैरह सामान चीज़ें दिखाती हूँ, लेट्स गो। गाइस देखें चावल अभी हमने पानी में डाले हुए हैं। गाइस यहाँ पर गाजर भी हमने काट ली कि ये सलाद वाले प्लेट में काम आते हैं। और चलो और भी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। गाइस पकौड़े के लिए मैं अभी से ही मैं एक आलू काट लूँ प्यारा प्यारा, ठीक है? फिर तब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा, इसको पानी में भी हमने रखना है तो इसलिए काटते हैं इसको। ठीक है गाइस मैंने आलू काट लिया है और मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे ये सारा काम मैं कर रही हूँ। सो मैंने जब से व्लॉग स्टार्ट किया मैंने सिर्फ ये एक ही आलू मैंने काटा है और सारा काम जो है ना मतलब मेरी बहन और अम्मी सारे मतलब मिलकर कर रहे हैं, ठीक है? गाइस मुझसे इतने छोटे छोटे नहीं बन रहे थे। सो अभी मैं इसको थोड़ा उबाल देती हूँ पानी में, मतलब मैं इसको पानी में डाल के चूल्हे पर रखती हूँ, फिर उससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। सो लेट्स गो गाइस, इसको मैंने चूल्हे पर रख लिया है और ठीक है। सो अभी 5 बजे हम पकौड़े भी बनाएंगे, उसके बाद आज हम 2 चीज़ें बना रहे हैं सो मैं आपको बताती हूँ अभी। सो गाइस आज हम पुलाव भी बना रहे हैं और सौबत भी बना रहे हैं। सो उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, सो हमने अभी से ही काम चालू कर लिया है। सो मैं और मेरी बहन आज अम्मी की बहुत हेल्प करेंगे। सो चलो अभी मैंने वो आलू जो है आग पर रख ली है, गाजर भी काट लिए और जो चावल है उसको भी हमने पानी पर डाल दिया है और अभी मेरी बहन काट रही है, पता नहीं मैंने देखा नहीं। सो चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी मेरी बहन ये टमाटर और ये जो मिर्च है वो काट रही हैं। गाइस हमने काम बहुत जल्दी कर लिया है और अभी है 4 बजे और हमने सारा काम कर लिया है। अभी मैं 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर सिर्फ मेरी अम्मी सालन पकाएगी, पुलाव पकाएगी और रोटी, और मैं और मेरी बहन साथ में पकौड़े और दस्तरखान तो फिर ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है? सो चलो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं 5 बजे। गाइस अभी 5 बज गए हैं और हमने एक दूसरा प्लान बना दिया है कि खैर पकौड़े थोड़े लेट बना लेते हैं। और अभी 5 बजे हैं और 6 बजे तक तो ये सालन पुलाव सब कुछ रेडी हो जाएगा, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो दस्तरखान रेडी हो जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और पकौड़े हम लास्ट में आखिर में बना लेंगे। सो जब हम वो बनाएंगे ना तो तब मैं आपको वो दिखाती हूँ। गाइस मैंने एक बहुत प्यारी सलाद की प्लेट मैंने बनाई है, ठीक है? मैंने बनाई है और अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। फिर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो प्लेट आपको कैसे लगी, क्योंकि मैंने इतना प्यारा स्टाइल दिया उसको। सो चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो गाइस पुलाव और सालन भी रेडी हो चुके हैं, सो चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमने अफ्तारी भी कर ली थी और उसके बाद मैंने अपनी छोटी बहन का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया था एंड आई एम सो सॉरी गाइज मैंने वो आपको नहीं दिखाया। सो चलो गाइज आई होप मेरा ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर माई दिस व्लॉग और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें। सो आज के लिए बाय बाय।